आज लोकतंत्र का महापर्व है और गोंडा में पांचवें चरण में मतदान हो रहा है। लगभग 1 बजे का समय हो चुका है और सभी जो वीआईपी वोटर्स हैं गोंडा के, उन्होंने मतदान कर दिया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कंदरगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश प्रताप जी हैं। उसे दिखाएंगे कि आप वोट डाले, कहाँ आपका निशान कहाँ है। तो उन्होंने वोट आपने डाल दिया है, डाल चुका हूँ। अच्छा, इस तरीके से आपने वोट डाल दिया है, और देवी पाटन मंडल में या गोंडा में कितनी सीट आप निकालने जा रहे हैं? देखिए, गोंडा में हम 7 में 7 सीटें जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जो जनता आपके पक्ष में वोट कर रही होगी? देखिए, पहली चीज़ तो भाजपा के का कुशासन। भाजपा ने जिस तरह से इस प्रदेश पे शासन किया है, आज जनता उससे बहुत असंतुष्ट है। सबसे बड़ी अन्ना जानवरों की समस्या है कि पहला जानवर पूरे फसलों के चौपट किए हैं, दूसरी महंगाई है, तीसरा व्यापक भ्रष्टाचार जो यहाँ पर हुआ है पूरे 5 साल तक, किसी का भी नहीं सुना गया, केवल अफसरशाही चली है, इसकी वजह से जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन वोट डाला है? मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी, हम तीनों लोगों ने 7 वोट डाला। अच्छा, आप सीट जीतने की बात करें, विपक्ष जिस तरीके से बता रहा है कि जो समाजवादी पार्टी इस बार अंतिम लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अंतिम लड़ाई समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। हम हर लड़ाई को अपना लड़ाई मुख्य मुद्दा मान के लड़ते हैं, और ये लड़ाई आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 के पार जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें पाने जा रही है, और हम यहाँ पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह। उन्होंने दावा किया है कि गोंडा की 7 सीट के साथ हम फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल आज मतदान हो रहा है, सभी जो मतदाता जो प्रत्याशी हैं उनका जो है जो किस्मत है वे में कैद हो रहा है। आने वाले 10 मार्च को पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। कृष्ण कुमार पिकंगा, गोंडा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।